शहर के डायमंड नगर स्थित स्पंदन आउटलेट में अब एक ही छत के नीचे महिलाओं को इमिटेशन ज्वेलरी के साथ ही साथ रेंटेड ज्वेलरी और ड्रेसेस आसानी से मिल सकते हैं। जी हां, ऐसा आउटलेट शहर के महिलाओं के लिए लेकर आई है स्पंदन डिजिटल एड्स की मैनेजिंग डायरेक्टर नीलिमा रामटेके और स्पंदन इमिटेशन ज्वेलरी की डायरेक्टर मोनिका मिश्रा। स्पंदन रामटेके इनके 8वें जन्मदिन के अवसर पर दी जा रही ये सुविधा महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है महिलाओं से, तो आइए डालते एक नजर। आज जो है स्पंदन इमिटेशन ज्वेलरी और रेंटेड ड्रेस का जो है आज आउटलेट का जो है आज ओपनिंग हुआ है। नीलिमा रामटेके जो है हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि आज उनके मतलब 8 साल के बच्चे का बर्थडे है और उसी के उपलक्ष्य पर आज जो है इस आउटलेट का जो है उन्होंने ओपनिंग किया है। क्या बताओगे मैम? मैम, मेरे जो जितने भी प्रोजेक्ट में रन करती हूँ वो सभी मेरे बच्चे के नाम से ही है। स्पंदन डिजिटल एड्स, स्पंदन इमिटेशन ज्वेलरी, SR किचन, जो मैंने पुणे में भी हमने आउटलेट ओपन किया है। बट दिखने वालों का ऐसा लगता है कि इसमें मैं अकेली ही हूँ या मेरी अकेली की मेहनत है, बट ऐसा कुछ नहीं, इसमें मेरी पूरी टीम काम करती है। आज ये जो शॉप आपको दिख रही है स्पंदन इमिटेशन ज्वेलरी, इसमें मेरा कोई भी उसको क्या बोलते हैं सिंहासा वाटा जो बनता था हस्तक्षेप तो नहीं है, वो नहीं है। ये जो पूरा वेल ऑर्गेनाइज किए इसके पीछे में जो लोग हैं उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरी फ्रेंड है राजेश्री दलाल, मैं जो भी कंसेप्ट में काम करती हूँ उसको बोली कि राजेश्री ये करना है तो वो बोलती हाँ ठीक है करना है, बट सिर्फ मुँह से नहीं बोलती करना है, उसमें क्या लगता है, कितना खर्चा आ रहा है, क्या पूरा बजट निकाल के उसके पास हमेशा वो कैश मेरे लिए अरेंज करके रखती कि इसका प्रोजेक्ट ना रुके। तो ऐसा समझिए कि ये जो अभी स्टैंड हुआ इसमें जो पाइवा जो बोलते हैं ना बेस है ना, वो बेस इसी ने ही स्थापित किया है। क्योंकि परचेसिंग करना, दिल्ली जाना, मैं दिल्ली में किसी को पहचानती नहीं, इसके साथ गई, वहाँ से पूरा शॉपिंग करना, सारी चीज़ें लाना। उसके बाद मेरी जो एक फ्रेंड है आरती घूमे, ये CBSE स्कूल में टीचर थी है ना, अभी भी उनको स्कूल से बुलाते कि मैम आप वापस करो, बट जब मैंने आरती ताई को बोली कि ताई मैं मेरा पुणे में सेटअप लग रहा है, मैं नागपुर में सब कैसे संभालूंगी, तो आप जॉब छोड़ दो, आप नागपुर में सारी चीज़ें संभालो, तो उन्होंने एक सेकंड की भी ऐसी देरी नहीं की, बोली ठीक है नीलिमा, अगर तेरे लिए मुझे इतना करना पड़ रहा है तो मैं मेरा जॉब भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसने अपना जॉब एक दिन में नहीं, एक घंटे में नहीं, एक सेकंड में उसने डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं ये जॉब छोड़ के तेरे साथ मैं वर्किंग करूँगी। तो मेरा स्पंदन डिजिटल एड्स को यही संभाल रही है नागपुर में और काफ़ी अच्छे से ताई संभाल रही है। ये जो शॉप है इसको संभालने वाली है मेरी बड़ी दीदी मोनिका मेश्राम और मेरी फ्रेंड राजेश्री, क्योंकि ये दोनों ही अच्छे से वेल इसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि जिनके माइंड का कंसेप्ट होता है ना वही उसको अच्छे से रन कर सकता है। कॉपी पेस्ट वाला बिजनेस नहीं होता है, तो कॉपी पेस्ट मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं संभाल सकती, ये दोनों ही संभालने वाले हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात को 2-2 बजे तक ये जो मेरी टीम है रात के 2-2 बजे तक यहाँ पे उन्होंने काम किया है और आप देख रहे हो कि कितना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज सेटअप इन्होंने लगाया है। बट कहने के लिए ऐसा लग रहा है कि नीलिमा रामटेके इसकी फाउंडर है, डायरेक्टर है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे इन सभी लोगों का हाथ है। बिल्कुल, आज जो ये आउटलेट का ओपनिंग हुआ है इसमें आपका भी बहुत ज़्यादा श्रेय है, क्या बताना चाहोगे? आज जो इतना खूबसूरत आउटलेट आपने एक ही छत के नीचे हम देख पा रहे हैं कि कई सारी लेडीज़ लोगों को लगने वाली चीज़ें हमें यहाँ दिखाई दे रही है, तो किस तरह से आप मतलब कौन से क्लास को अट्रैक्ट करना चाहोगे, क्या बताओगे हमारे दर्शकों को? हम कोई क्लास को अट्रैक्ट करने की बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पर हर क्लास के पर्सन के लिए, लेडीज़ के लिए स्पेशली सब कुछ है, मतलब जो भी आएंगे वो उसके लायक बोल सकते हैं या उससे अच्छे भी आए उनके ही हिसाब से, सबके हिसाब से हमने सब कुछ परचेस करके लाया है। अब तो मार्केट बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो नीलिमा ने काफ़ी अच्छा सेटअप किया है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे परचेसिंग तो हो ही सकती है, रेंट पर भी हमें ज्वेलरी हो या ड्रेसेस हो वो भी मिलने वाले हैं। ये कंसेप्ट कैसे क्या मतलब ख्याल में आया, क्योंकि नागपुर में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहीं आउटलेट होगा कि जहाँ परचेसिंग भी होती है और वहाँ रेंट पे भी हमें ज्वेलरी या ड्रेसेस मिल सके। ये सब हमने अपने आप को ही सोच के किया, क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमने सोचा कि जहाँ जाते हैं हमें रेंट पे लेना होता है, ज्वेलरी हमेशा रेंट पे लाना पड़ता है और कई बार एक शॉप से फिर दूसरे शॉप में घूमना पड़ता है कि रेंटेड ड्रेसेस कहीं मिल जाए, तो उससे अच्छा हमने यही कहा कि दोनों चीज़ें हम एक ही जगह रखते हैं तो लेडीज़ को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम तो और नया कुछ और लाने ही वाले हैं यहाँ पे, और कुछ नया नया आप देखेंगे। जो कॉन्सेप्ट है ना वो टोटल आरती मैम का है, क्योंकि इनका ड्रेस का बिजनेस है, तो इनको मार्केट रेट पता है,
कि कौन सी चीज़ कितने में मिलती है और कितने कम रिजनेबल में अपन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो माइंड था वो इन्हीं का था कि यहाँ पे रेंटेड ड्रेसेस डिज़ाइनर पीसेस भी अपन अवेलेबल करके देंगे घर के। हम आरती मैम से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे जो है फिलहाल ड्रेसअप का जो है ड्रेसिंग का जो है यहाँ पे सेटअप किया है, किस तरह के ड्रेसेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे लेडीज लोगों के लिए, क्या बताओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू नीलिमा मैम, बिकॉज उनके जो भी आउटलेट्स है अभी तक सब सक्सेसफुल रन हो रहे हैं। देन जो रहा ड्रेसेस का, तो मैं 10 सालों से उस पर एक्सपीरियंस वर्क कर रही हूँ अच्छे से। एंड अभी जो है ड्रेस का कंसेप्ट वही मैंने उसको उसके साथ शेयर किया, वो भी एग्रीड हुई। एंड महाराष्ट्रियन लोग, हर लेडी को लगता है कि महाराष्ट्र में रहते हैं तो स्पेशलिटी महाराष्ट्र की होनी चाहिए, तो महाराष्ट्रियन लुक से लेके हर एक टाइप के ड्रेसेस हमने यहाँ पे अवेलेबल करवाए। थैंक यू। अभी तक हमने सब मतलब आउटलेट के बारे में पूरी जानकारी ली है, लेकिन जो डायरेक्टर है इस आउटलेट को जिनको चलाना है उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये कंसेप्ट जो है कैसे क्या आपने साकारा है, और हाल ही में उनके साथ थोड़ी सी अनहोनी भी हुई है, उसमें से वो उभर कर कैसे सामने आई है, और लेडीज़ लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे वो? मैम, लेडीज़ लोगों को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हादसे सभी के साथ होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन अभी वही चीज़ लेके हम लोग आगे नहीं चल सकते, उसको भी हमको निकालना है। और एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूँगी कि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी घर अगर बनाते हैं तो उसका जो पाइवा होता है वो मजबूत होना चाहिए, और उसके लिए 4 पिल्लर लगते हैं। तो मैं तो एक मेन पिल्लर हूँ, लेकिन मेरे साथ जो 3 मेन पिल्लर है जिसके वजह से ये सब चल रहा है, एक तो मेरी दोस्त आरती, मेरी सेकेंड दोस्त राजेश्री, और ये तो सबसे बड़ा पिल्लर है, सामने के जो 2 पिल्लर है, और ये हमारे यानी ऐसे हम 4 पिल्लर है। तो डेफिनेटली वो चीज़ कभी डगमगाएंगी नहीं, और ये बहुत अच्छे से होने वाला है, इतना ही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और आपके बेटे को बर्थडे की हमारे तरफ से बीसी न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ हमने देखा कि ये जो हमने इमिटेशन ज्वेलरी और यहाँ पे रेंट पे भी ड्रेस मिलते हैं, तो सभी से यही गुजारिश है कि एक बार आइए और स्पंदन इमिटेशन ज्वेलरी और रेंटेड ड्रेस पर आप आकर यहाँ पे देखिए कि किस तरह की यहाँ पे अलग हमें दिखता है, कि कुछ तो परचेस हम कर सकते हैं या रेंट पे भी हम यहाँ पे इजीली हमें सब कुछ चीज़ें जो है अवेलेबल होने वाली है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।